आज के बाद दादागिरी नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, बीच सड़क दिखाई थी दबंगई और जहां दिखाई थी बदमाशी, अब वहीं पुलिस ने बदमाशों की सारी हेकड़ी निकाल दी। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बदमाशों का जुलूस निकाल रही है एमपी पुलिस। ये तस्वीरें इंदौर के बाणगंगा की हैं, जहां हाल ही में एक स्क्रैप सहित 3 दुकानों में आगजनी की घटना सामने आई थी, जहां बदमाशों ने देर रात दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अर्जुन सहित एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व एक घटनाक्रम हुआ था आगजनी का। एक दुकान में आग लगी थी, जिसकी दाएं बाएं की चपेट में 3 दुकानें आ गई थी। कुछ उनका आपसी विवाद पुराना पता चला था। उन बदमाशों को आज थाना प्रभारी बाणगंगा ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का नाम अर्जुन नायक है और दूसरा विनोद उर्फ घोड़ा है। ये लोग वही स्थानीय भवानी नगर के रहने वाले हैं। सर, बदमाशों का मौका मुआयना करने के लिए घटनास्थल पे भी लिया जा रहा है। अब वो जो भी लीगल प्रोसेस है वो सभी अडॉप्ट कर रहे थे। कारण क्या रहा सर? कुछ उनका पुराना किसी बात को लेकर विवाद है, परिचित भी है वो, जिनके हाथ आग लगी थी दुकान में। ये दोनों बदमाशों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इस प्रकार की कोई बात सामने है? हाँ, एक दो मामले इनके विरुद्ध पूर्व से है और इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है। ये तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है इस बात की नशे से। जो उनके पुराने अपराध है वो साधारण मारपीट के और इस प्रकार के अपराध है। दरअसल आगजनी की घटना के बाद फरियादी स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्क्रैप दुकानदार और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। आरोपी अर्जुन स्क्रैप दुकानदार से पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके सारी हेकड़ी निकाल दी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।